हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं डेटा एक्वो। तो आज हम बात करने वाले हैं फरवरी में जो भी नए लॉन्चेस होने वाले हैं। तो अगर आप किसी वजह से अभी फोन परचेज करने का वेट कर रहे थे और आपने प्रीवियसली परचेज नहीं किया है तो शायद आपका इंतजार इस मंथ में खत्म होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर ऑल जब रेडमी का फोन लॉन्च हो चुका है तो रियलमी कैसे पीछे रहेगा। और 29 जनवरी को ये बगल में ही नए फोन लॉन्चेस होने वाले रियलमी की 12 सीरीज, जिसमें रियलमी 12 प्रो और 12 प्रो प्लस और एक और सुनने में आ रहा है 12 प्रो मैक्स भी आने वाला है। ये स्मार्टफोन कंपनीज ने अल्ट्रा, प्रो, मैक्स, प्राइम इन शब्दों का जितना मिसयूज किया है ना, शायद किसी ने नहीं किया होगा। तो अब इन फोन्स की बात करें तो जो लीक्स और रूमर्स जो आए हैं उनके अकॉर्डिंग रियलमी 12 प्रो में स्नैपड्रैगन 6 जन 1 देखने को मिलने वाला है, 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा विद OIS और 32 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो कैमरा भी देखने को मिलेगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और वहीं प्रो प्लस की बात करें तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। ये कहीं सुना सुना सा लग रहा है नहीं। तो इस फोन की बात करें तो आपको इसमें भी प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा विद OIS। और जहां तक कैमरा लेंस की बात करें तो दोनों फोन्स में IMX890 होने वाला है। तो प्लस लगने के साथ ही इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलेगा। और सुनने में आ रहा है जो प्रो मैक्स है इसकी प्राइसिंग 34,000 रुपए से स्टार्ट होने वाली है। और बाकी तो 29 जनवरी को देखते हैं कि क्या हाल रहता है। बट अब ऐसा लग रहा है कि बजट फोन्स के दिन गए। रेडमी और रियलमी इज नॉट बजट फ्रेंडली एनीमोर। जब ओप्पो ने अपना सब ब्रांड लॉन्च किया था रियलमी, तो उसी टाइम देख के लग गया था कि ये रेडमी को टारगेट करके लॉन्च किया गया है। और हाँ, उनके फोन भी काफी कम्पिटिटिव थे, लेकिन अब जब रेडमी जिस राह पे चला है तो रियलमी फिर कैसे पीछे रहेगा। वो दिन गए जब रेडमी और रियलमी इनसेन वैल्यू फॉर मनी हुआ करते थे। ये देख के काफी बुरा भी लग रहा है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब इन्हीं के बगल में मोटोरोला का G24 पावर लॉन्च होने वाला है 30 जनवरी को, जिसका फ्लिपकार्ट पे आपको लैंडिंग पेज भी देखने को मिल जाएगा। अब इस फोन की बात करें तो ये बजट सेंट्रिक फोन होने वाला है। स्पेसिफिकेशन को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। 6.6 इंच की HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। ये IPS डिस्प्ले होने वाली है विद पंच होल डिजाइन, हेलियो G85, 50 मेगापिक्सल मैन कैमरा और एक मैक्रो कैमरा भी देखने को मिलेगा और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। 6000 mAh की बैटरी, 33 वॉट का चार्जर, एंड्रॉइड 14, IP52 और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। कुछ भी को, मोटोरोला हर बजट में इतने एग्रेसिव फोन लॉन्चेस कर रहा है कि कोई इनकी डील्स को इग्नोर नहीं कर सकता। देखिए, मोटोरोला बहुत ही कॉम्पिटिटिव फोन लॉन्च कर रहा है हर प्राइस सेगमेंट में, लेकिन इतना ही कॉम्पिटिटिव ये अगर अपनी आफ्टर सेल सर्विस को कर देता तो काफी अच्छा रहता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मोटोरोला की आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही पैथेटिक है और बहुत सारे फोन्स में क्वालिटी कंट्रोल का इश्यू रहता है। तो आई थिंक थोड़ा इनको उस पे भी ध्यान रखना चाहिए। खैर, अब देखते हैं, ये 4G फोन है तो 8-9 हज़ार के आसपास आए तो अच्छा है, अदरवाइज 10 हज़ार में फिर 5G फोन्स मिल जाते हैं। और वैसे आपका क्या ख्याल, अगर 10 हज़ार में आपको फोन लेना हो तो आप 5G फोन्स लेंगे या 4G फोन, कमेंट्स में बताएं। चलिए अब नेक्स्ट फोन की बात करते हैं। तो 22 फरवरी को IQ Neo 9 Pro देखने को आपको मिल जाएगा, जो कि चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। और वैसे जो चाइना में IQ Neo 9 लॉन्च हुआ है वो हमारे यहाँ पे प्रो बन के आएगा। अब इस फोन की बात करें तो 6.78 इंच की 1.5K रेजोल्यूशन की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और साथ ही LTPO टैग के साथ में मिलने वाली है, जो कि काफी अच्छी बात है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, 50 मेगापिक्सल का मैन कैमरा विद OIS और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और वहीं 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। 5160 mAh की बैटरी और 120 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा। बाकी IQ के फोन मोस्टली गेमिंग को टारगेट करते हैं, लेकिन इनके कैमरा भी काफी अच्छे होते हैं। अब देखते हैं ये किस प्राइसिंग पे लॉन्च होता है, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत ही अग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च होने वाला है और इसकी प्राइस कैटेगरी वैसे अराउंड 30-35 हज़ार के बीच में होगी। तो देखते हैं, ये OnePlus 11R को काफी अच्छी टक्कर देने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट फोन की बात करें तो Honor का X9B, इसको से टीज किया जा रहा है। तो अब इस फोन की बात करें तो 6.78 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1, 108 मेगापिक्सल का मैन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, ये कौन करता है यार, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। खैर, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, अभी इसके बारे में बात नहीं करते, क्या प्राइसिंग पर लॉन्च होता है ये मैटर करेगा। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5800 mAh की बैटरी और 35 वॉट का चार्जर। अब इस फोन की प्राइसिंग अगर ये अच्छी रहेंगे तो इन्हीं का फायदा है, वरना Honor 90 जैसा हाल होगा, जो कि बहुत ही अनएक्सेप्टेबल प्राइस पे लॉन्च हुआ था। हाउएवर, अभी प्रीवियस सेल में 20-22 हज़ार में मिल रहा था तो वो वैल्यू फॉर मनी था। अब नेक्स्ट फोन की बात करें तो ये फोन बहुत टाइम से सिर्फ लीक्स में ही घूम रहा है, नथिंग फोन 2A। अब इस फोन की बात करें तो 6.7 इंच की फुल HD प्लस की AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, डायमेंसिटी 7200, 50 मेगापिक्सल का मैन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी और चार्जिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। साथ ही चार्जर बॉक्स में मिलेगा कि नहीं इसके बारे में भी। खैर, वो बात की बात है, लॉन्च होने देते हैं, देखते हैं प्राइस
प्राइसिंग क्या अच्छी रखते हैं। मुझे लगता है कि 25,000 के अंदर आए तो वैल्यू फॉर मनी रहेगा, लेकिन अभी तक नथिंग की हिस्ट्री देख के लग रहा है कि वैल्यू फॉर मनी तो वो बिल्कुल नहीं होते। इनके अलावा कुछ और फोन्स भी हैं, जैसे सैमसंग का M44 5G जिसके बारे में मैंने 2-3 महीने पहले बता दिया था, लेकिन मजे की बात यह है कि वो लॉन्च होने का नाम नहीं ले रहा। बट अभी सैमसंग मुझे लगता है कि S24 अल्ट्रा और ये सब लॉन्च किए हैं, तो शायद हो सकता है दूसरे फोन लॉन्च करने में थोड़ा सा भी डिले करे या फिर अचानक में भयानक लॉन्च कर दे, देखते हैं। और इसी के साथ सुनने में आ रहा है कि इन्फिनिक्स की 40 सीरीज में आने वाली है, नोट 40, हॉट 40, जीरो 40 एटसेट्रा। और इन्फिनिक्स की बात करें तो काफी अच्छे फोन लॉन्च कर रहा है, प्राइस भी काफी कॉम्पिटेटिव रखता है और एक फोन में सारे स्पेक्स देने की कोशिश करता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब इस बात को सोच के दुखी हूँ या खुश हूँ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो काम कभी रेडमी किया करती थी वो आज इन्फिनिक्स और मोटरोला कर रही है। आप समझ गए होंगे वैल्यू फॉर मनी फोन्स। वेल, इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में बताइए, और दोस्तों थोड़े कमेंट किया कीजिए, आप इंटरेक्शन करते हैं मुझे भी काफी अच्छा लगता है। अब दोस्तों ये पार्ट में थोड़ा सा बाद में ऐड कर रहा हूँ, सैमसंग M55 की डिटेल्स भी सामने आ चुकी है, इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पे भी लिस्ट हो चुका है और साथ ही Geekbench स्कोर पर भी, तो उनको देख के काफी इंप्रेसिव लग रहा है। स्नैपड्रैगन 7 जन 1 आपको देखने को मिलेगा और साथ ही आपको One UI 6 के साथ में देखने को मिलेगा, और अगर और डिटेल्स की माने तो आपको इसमें 25 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलेगी, जो कि कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक 45 वॉट का चार्जर भी साथ में बॉक्स में मिलने वाला है और ये बात मेरे गले से अभी तक नहीं उतर रही, देखते हैं क्या होता है। वैसे इन फोन्स के अलावा Xiaomi की 14 सीरीज और Realme GT 5 सीरीज, इफ यू नो, ये फोन्स चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। अब देखते हैं इंडिया में कब आएंगे और क्या प्राइस पे आते हैं, और क्या पता कभी कभी ये ब्रांड सरप्राइजिंगली भी लॉन्च कर देते हैं, तो अभी तक कोई रूमर्स नहीं है इनके रिगार्डिंग, तो लेट्स सी। तो ये सारे लॉन्चेस थे जो कि जनवरी के एंड में और फरवरी में होने वाले हैं। वेल, तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, अगर हेल्पफुल रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।